वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू चैनल एकलव एकेडमी द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नए ट्रेंडिंग वर्ड्स के जो ब्यूटीफुलनेस को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ अच्छी सी चीज, कुछ ब्यूटीफुल या किसी की ब्यूटी को देखते हैं तो हमारे पास कुछ गिने चुने ही वर्ड्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, जस्ट लाइक स्मार्ट, क्यूट, ब्यूटीफुल, नाइस। इस वीडियो में हम कुछ नए ट्रेंडिंग वर्ड्स को लर्न करेंगे और आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इन वर्ड्स को और एज की आपकी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज अडोरेबल, मीनिंग वेरी अट्रैक्टिव, इजी टू लव। देखिए, ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग हिंदी भी अगर हम देखें वर्ड्स होते हैं। कभी हमें कोई चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, कभी कोई बहुत अट्रैक्टिव लगती है, कभी कोई बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, कोई चीज आंखों को बहुत शांति देने वाली लगती है। तो हम बहुत बार हिंदी में तो अलग अलग डिस्क्राइब कर पाते हैं, बट इंग्लिश में हमारे पास वही वोकैब रहती है। हम लौट फिर के ब्यूटीफुल और स्मार्ट, बस इसी पे अपनी वोकैब को खत्म कर देते हैं। तो आज वही डिफरेंट जितने भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको इंग्लिश वर्ड्स में किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर पाएंगे वो वर्ड्स लर्न करेंगे। सो फर्स्ट इज अडोरेबल, मीनिंग वेरी अट्रैक्टिव, इजी टू लव। बहुत सारी चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है, चीज हो या कोई पर्सन हो, ठीक है, और इजी टू लव, जैसे कि प्यारा या प्यारी, हम बोलते हैं ना ये चीज बहुत प्यारी है या वह इंसान बहुत प्यारा है। सो दैट इज कॉल्ड अडोरेबल। यूज कैसे कर सकते हैं हम, एक एक यूज सबका मैंने इसमें आपको मेंशन किया हुआ है। द किड्स आई लुक आफ्टर आर सो अडोरेबल। तो जैसा कि हम जानते हैं किड्स ऑलवेज अडोरेबल ही होते हैं, कैसे भी हो बहुत प्यारे ही होते हैं। सो दिस वर्ड, सेकेंड वर्ड, एस्थेटिक, मीनिंग कंसर्न विद ब्यूटी एंड आर्ट। स्पेशली ये जो ब्यूटी और आर्ट के लिए जो वर्ड होता है, किसी की कला को, किसी की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज सौंदर्य परक, अगर हम हिंदी में बात करें तो। ठीक है, यूज क्या है, वेल मैनी ऑफ द फीचर्स आर फॉर सेफ्टी, सम आर सिंपली एस्थेटिक। देखिए, बहुत सारी चीजें जब हम खरीदते हैं तो ऐसा होता है कि कई सारे फीचर्स तो उसमें सेफ्टी फीचर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो केवल हमें अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे उनको बनाया जाता है। जैसे किसी भी, हम मान लीजिए हमने कोई मशीनरी ली तो मशीनरी में बटन, वो सेफ्टी के लिए होंगे, कुछ चीजें सेफ्टी के लिए होंगी, लेकिन बटन की स्टाइल है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो उसकी केवल सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसके एस्थेटिक करने के लिए बनाई जाती हैं। सो थर्ड वर्ड इज एंजेलिक, मीनिंग काइंड एंड ब्यूटीफुल लाइक एन एंजल। देखिए, कोई कोई चीज बहुत ज्यादा एकदम दिव्य होती है, हम डिवाइन जैसे बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम एंजेलिक वर्ड का यूज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो या कोई चीज हो, थिंग हो। यूज, शी हैज एन एंजेलिक स्माइल बट अ ड्रेडफुल टेम्पर। मैंने टाइम्स भी कॉल्ड कि वो, मतलब स्माइल फेस देखो तो इतना सीधा इनोसेंट सी लगती है या लगता है, और जब एकदम गुस्सा आता है तो बिल्कुल भयानक रूप ले लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड शी हैज एन एंजेलिक स्माइल बट अ ड्रेडफुल टेम्पर। नेक्स्ट वर्ड बोनी, मीनिंग वेरी प्रेटी एंड अट्रैक्टिव। कोई बहुत प्रेटी हो, सुंदर सा, उसके लिए बोनी वर्ड का यूज किया जाता है। यूज है इसका, शी नाउ होल्ड्स हर बोनी बेबी एज इफ ही इज द ओनली लाइट इन हर लाइफ। अगर मैं इसको आपको पूरा डिस्क्राइब करूं, शी नाउ होल्ड्स हर बोनी बेबी, उसने अपने सुंदर से बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ है एज इफ, मानो ही इज द ओनली लाइट इन हर लाइफ, कि वो केवल एक मात्र उजाला है उसके जीवन का। नेक्स्ट वर्ड कोमली, मीनिंग अट्रैक्टिव, प्लीजेंट टू लुक। देखिए, बहुत सारी चीजें इतनी सुंदर होती हैं कि बहुत मनोहर और सुदर्शन, यानी कि अगर हम हिंदी वर्ड्स की बात करें इसमें मनोहर और सुदर्शन, जैसे कि बहुत सारी चीजें देखने में हमारे मन को, आंखों को बहुत शांति देती हैं। अगर हम उनको देखते हैं या किसी किसी का फेस ऐसा होता है, देखते ही एकदम आंखों को प्लीजेंट सा फील होता है, तो वही है प्लीजेंट टू लुक, देखने में बहुत ज्यादा शांत और सही, ठीक है, मनोहर। सो यूज इन पर्सन शी इज कोमली ड्रेस्ड इन स्लवनली पिक्चर्स क्यू वे। मतलब एज अ पर्सन अगर देखा जाए तो वह कोमली है और ड्रेस्ड बिल्कुल स्लवनली पिक्चर्स क्यू वे है, यानी कि बहुत ही सही वे में, अच्छे वे में एक ड्रेस को पहनी हुई है, ठीक है। डेंटी, दैट इज मीनिंग स्मॉल एंड डेलिकेट इन अ वे दैट
पीपल फाइंड अट्रैक्टिव. कोई कोई चीजें बहुत डेलिकेट, एकदम नाजुक सी, सूक्ष्म सी होते हैं, है ना. कोई चीज छोटी सी और एकदम डेलिकेट सी. कुछ कुछ चीजें छूने में ऐसे लगती हैं जैसे किसी किसी की स्किन ही एकदम छू लेंगे तो, टच भी कर देंगे तो गंदी सी हो जाएगी, एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट ओ लाइक. ठीक है, तो सूक्ष्म और सुशोभित. देखते हैं इसका यूज. डेंटी फ्लावर्स अपियर इन एवरी समर ऑन टॉल स्टेम्स हेल्ड अबव द लीव्स. जैसे कि डेंटी फ्लावर्स का मतलब हो गया छोटे से, वो एकदम छोटे से सुशोभित से जो फ्लावर्स होते हैं वो अर्ली समर में अपियर होते हैं, दिखते हैं ऑन टॉल स्मॉल, वो टॉल स्टेम्स बड़े तनों पे हेल्ड अबव द लीव्स, जो पत्तियों के ऊपर रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड. आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सविजिट. इसको देखिए प्रोनाउंस बहुत अलग है इसमें, जबकि जा कहीं भी नहीं है, बट इसे जो प्रोनाउंस करते हैं वो है एक्सविजिट. एक्सविजिट, ठीक है. तो प्रोनाउंसिएशन का भी हमें ध्यान रखना है. जब कोई हम अगर कोई अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट यूज इन अ प्रॉपर वे, मीनिंग यूज स्पेशली प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो दिस मीनिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड केयरफुली मेड. कोई चीज बहुत अति सुंदर, उत्कृष्ट जिसे कहते हैं. तो यूज है शी वोर एन एक्सक्विजिट ड्रेस विच लेफ्ट ऑल द गेस्ट स्टेयरिंग इन सरप्राइज. देखिए यहाँ एक वर्ड है स्टेयरिंग, इसका मतलब होता है घूरना यानी देखते रह जाना. ठीक है, तो शी वोर, उसने इतनी एकदम एक्सक्विजिट ड्रेस पहनी, इतनी अति सुंदर उत्कृष्ट ड्रेस पहनी कि सभी जो गेस्ट थे वो एकदम सरप्राइजिंगली उसकी तरफ अचानक से देखने लगे. स्टेयरिंग होता है किसी की तरफ घूरना, अचानक से देखना. ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैचुएस्क. इसको पढ़ेंगे स्टैचुएस्क, मीनिंग टॉल एंड ब्यूटीफुल इन एन इम्प्रेसिव वे. ये स्पेशली उन पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है जो टॉल भी होते हैं और इम्प्रेसिव वे, यानी कि बिल्कुल सुडौल गठित शरीर, जैसे बोलते हैं ना कि उसके बॉडी तो एकदम परफेक्ट है, बॉडी है, हाइट है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैचुएस्क. यूज द गेस्ट नीडेड लिटिल रिमाइंडिंग एज द स्टैचुस्क ब्राइट प्रूव्ड अटरली कैप्टिवेटिंग. देखिए मतलब गेस्ट को लिटिल रिमाइंडिंग, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत है, क्योंकि जो ब्राइट थी वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग स्टैचुस की थी, वो स्टैचुस्क थी. ठीक है, तो वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी खुद ही याद रहेगी. नेक्स्ट कैप्टिवेटिंग, मीनिंग वेरी प्लीजिंग टू द आईज. ये भी लुभावना, जैसे आंखों को बहुत ही ज्यादा शीतलता प्रदान करे, वो चीज होती है कैप्टिवेटिंग. सो यूज हिज आईज वर कैप्टिवेटिंग बाय फार द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर इन हिज डार्कली हैंडसम फेस. उसकी आंखें सबसे ज्यादा लुभावनी है, अगर सारे उसके जितने भी अट्रैक्टिव फीचर्स में उसकी डार्कली हैंडसम फेस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लुभावनी है वो आईज है. एंड द लास्ट वर्ड इन दिस वीडियो इज रैविशिंग, मीनिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. देखिए ये वर्ड यूज किया जाता है गॉर्जियस, मतलब कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर हो देखने के लिए, स्पेशली पर्सन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है किसी की ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए. सो यूज है द ग्रूम थॉट द राइट लुक्ड रैविशिंग इन हर वेडिंग ड्रेस. आई थिंक यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, राइड नहीं ये ब्राइड है, ब्राइड यानी दुल्हन. ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है. तो द ग्रूम थॉट द ब्राइड लुक रैविशिंग इन हर वेडिंग ड्रेस. तो जैसा कि हम सब जानते हैं वेडिंग ड्रेस में एक लड़की, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ हर लाइफ इन देयर लाइफ, तो रैविशिंग वर्ड उसके लिए परफेक्ट होता है. ठीक, तो किसी की भी बहुत ज्यादा एकदम खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है. आई होप कि आपने आज के इस वीडियो में ट्रेंडिंग न्यू 10 वर्ड्स सीखे होंगे, जो अब नेक्स्ट टाइम से अगर आपको किसी की ब्यूटी डिस्क्राइब करनी है तो आपके पास ये आपकी डिक्शनरी में नए ऐड हो जाएंगे. जरूरी नहीं है कि वही आपको केवल ब्यूटीफुल, क्यूट, स्मार्ट, हैंडसम, केवल ये वर्ड्स का यूज करना होगा. अब आप जिस तरीके से जिसकी ब्यूटी होगी आप उसको उस तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे. होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए. आगे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए. अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.